आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं उपेंद्र अनमोल। आज हम लोग चर्चा करेंगे आठवीं महाद्वीप, जिसकी खोज हुई 2017 में, जिसको नई मान्यता दी गई है अनेक देशों के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, जियोग्राफर्स के द्वारा। तो ये आठवां महाद्वीप या नया महाद्वीप क्या है? आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो आठवें महाद्वीप की खोज हुई है, इसे जी लैंडिया कहा जाता है। ये बिल्कुल न्यू कॉन्टिनेंट है और इसे जी लैंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में इस महाद्वीप की खोज हुई है, जिसमें नासा के उपग्रहों के माध्यम से इसका फिगर लिया गया है कि ये समुद्र से बिल्कुल अपलिफ्टेड या एलिवेटेड पार्ट है। तो जी लैंडिया क्या है? वैसे तो आप जानते होंगे कि जी लैंडिया जो महाद्वीप की खोज हुई है, उसका 93% भाग समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। केवल न्यूजीलैंड, न्यू कैलिडोनिया, नारफॉक द्वीप या लॉर्ड हो जैसे द्वीप हैं, उन्हीं में आबादी है। मतलब केवल 7% समुद्र तल से ऊपर है, 93% समुद्र तल से नीचे है। और ये जो आठवें महाद्वीप की खोज हुई है जी लैंडिया, ये वैसे भी आठवां महाद्वीप है और साइज के आधार पर भी आठवां महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया का दो तिहाई है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया से काफी छोटा है, दो तिहाई है उससे। इसलिए सबसे छोटा महाद्वीप आप सभी लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अब पहले तो चर्चा हो जाए कि महाद्वीप या महासागर कहा किसे जाता है। तो महाद्वीप और महासागर की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन अनेक भूगोलवेत्ताओं ने महाद्वीप, कॉन्टिनेंट और महासागर, ओशन की परिभाषा दी है। और उनका कहना है कि ऐसा जियोलॉजिकल, मतलब ऐसा भूभाग जो जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसा स्थलीय भूभाग जो सागरों महासागरों से घिरा हुआ है और दो प्रकार का महत्व रखता है। एक पारिस्थितिकी महत्व अलग रखता है, दूसरा जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अलग रखता है, भूगर्भिक महत्व अलग रखता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है। पहले तो इन दोनों के बारे में बोल दूं कि अलग भूगर्भिक महत्व का क्या अर्थ है, अलग पारिस्थितिकी महत्व का क्या अर्थ है। जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अलग का मतलब उसकी प्लेट अलग हो। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई और उसने बताया कि महाद्वीप अलग अलग प्लेटों में हो, प्लेटों में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब महाद्वीप उसे कहा जा सकता है जिसकी प्लेट अलग हो। तो जीलैंडिया की प्लेट अलग है। चलिए, ये शर्त तो पूरी हुई। दूसरी शर्त है कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अलग हो, उसका पारिस्थितिक महत्व तो अलग हो, इकोसिस्टम उसका अलग हो। तो निश्चित रूप से जब समुद्र में ये भाग डूबा हुआ ज्यादा है, तो इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी अलग हो गया है, इसका पारितांत्रिक महत्व या परितंत्र का महत्व तो भी अलग है। इसीलिए इसे आठवें महाद्वीप की संज्ञा दी गई है और इसे आठवां महाद्वीप स्वीकार किया गया है और इसे जीलैंडिया नाम दिया गया है, जो न्यूजीलैंड से डिराइव किया गया है। न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट को ही जीलैंडिया, न्यूजीलैंड जो देश है उसी के नाम से ही प्रेरित होकर जीलैंडिया नाम रखा गया है, जिसमें न्यूजीलैंड, न्यू कैलिडोनिया, नारफॉक द्वीप, लॉर्ड हो जैसे द्वीप आते हैं। 93% डूबा हुआ है, 7% समुद्र के ऊपर उठा हुआ है। जब उपग्रहों से इसका फिगर लिया गया, इसकी मैपिंग की गई, इसका ऑब्जर्वेशन किया गया, तो देखा गया कि यह समुद्र के में नीचे नहीं है, बल्कि इलिवेटेड पार्ट है प्रशांत महासागर में। इसीलिए जानते यह अलग महत्व और अस्तित्व रखता है। यद्यपि आप सभी लोग जानते होंगे कि महाद्वीप और महासागर को लेकर के विवाद रहा है। जनरली जहां जिन जिन देशों में अंग्रेजों का शासन रहा है, उन देशों में महाद्वीप को सात माना जाता है कि दुनिया में सात महाद्वीप हैं। भारत में भी सात महाद्वीप को मान्यता है, चार महासागर को मान्यता है। मतलब जहां जहां पे अंग्रेजों का शासन था, वहां सात महाद्वीप माना जाता है। लेकिन चीन में सात महाद्वीप नहीं माना जाता, चीन में छह महाद्वीप माना जाता है, जापान में भी छह महाद्वीप माना जाता है, कई और जगहों पर छह महाद्वीप माना जाता है। तो देखिए, कई कई लोग, सात महाद्वीप में कौन कौन है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है, चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है, पांचवा बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है, जो पूरी तरीके से स्नो कैप्ड है, बर्फ से घिरा रहता है,
इसलिए उसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। छठा महाद्वीप यूरोप है और सातवां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और आठवां अब इसकी खोज हो रही जीलैंडिया। तो और अंग्रेज भी जहाँ पे अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, जहां अंग्रेजों का शासन रहा, उनका पूरा समर्थन है इस महाद्वीप को। लेकिन अनेक देशों के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा मानना है कि एशिया और यूरोप अलग अलग महाद्वीप नहीं है। एशिया और यूरोप ये एक महाद्वीप है और इनका नाम यूरेशिया है। अर्थात जो देश एशिया और यूरोप को अलग अलग महाद्वीप नहीं मानते हैं वो दुनिया में 6 महाद्वीप मानते हैं। इसके अलावा भूगर्भिक अध्ययन से यह सिद्ध हुआ कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों एक ही प्लेट के भाग रहे हैं। अंगारा लैंड का ही अधिकतर भाग रहा है, गोंडवाना लैंड का अफ्रीका कम भाग रहा है। इसलिए एक नया कंसेप्ट आया यूरोफ्रेशिया, ये तीन महाद्वीप को एक महाद्वीप। जो लोग तीन महाद्वीप को एक महाद्वीप मानते हैं वो दुनिया में 5 महाद्वीप मानते हैं। तो इस तरीके से महाद्वीपों को लेकर के जानते वर्गीकरण रहा है। ये मान करके आप रखें कि भारत की सरकार चूंकि 7 महाद्वीप को स्वीकार करती है तो आपको 7 महाद्वीप जानना है, और ये 8वां महाद्वीप जीलैंडिया के नाम से आया है इसको भी आपको जानना है। अब देखिए इसी तरीके से महासागर भी हम लोग 4 महासागर मानते हैं, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। लेकिन जानते हैं तमाम देशों में जैसे चीन वगैरह में 5 महासागर पढ़ाया जाता है, वो हिंद महासागर का भी एक पार्ट अलग करके सदर्न ओशियन कहा जाता है, दक्षिणी सागर कहा जाता है। हमारे देश में यद्यपि इसको मान्यता नहीं है। अब जीलैंडिया के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप जान लीजिए कि जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक नया महाद्वीप है जिसकी खोज वैसे तो 1995 में सबसे पहले हुई थी, लेकिन 2017 में जिसे मान्यता दी गई, और मान्यता देने का आधार बहुत पुख्ता है, भूगर्भिक और पारितांत्रिक जो है उसका आधार है। इस नाते अनेक भूगोलवेत्ताओं के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है महाद्वीप के रूप में। पहले इसे माइक्रो कॉन्टिनेंट या सबमर्ज कॉन्टिनेंट कहा जाता था। यह बहुत छोटा महाद्वीप है या डूबा हुआ महाद्वीप है, या बहुत लोग इसको हिडन कॉन्टिनेंट छिपा हुआ महाद्वीप कहते थे। मतलब जीलैंडिया को चाहे आप हिडन कॉन्टिनेंट कहें, चाहे माइक्रो कॉन्टिनेंट कहें या सबमर्ज कॉन्टिनेंट कहें, पहले इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको एक अलग महाद्वीप के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जिसके नाते आपको इसे एक अलग महाद्वीप के रूप में ही जानना होगा। और इसका कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट बिल्कुल अलग है, और यहाँ की पारिस्थितिकी भी अलग है, और यहाँ का जो है भूगर्भिक इंपॉर्टेंस भी अलग है, यहाँ की प्लेट भी अलग है। तो इस नाते जो लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट एग्जाम दे रहे हैं या वनडे के एग्जाम से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीलैंडिया क्या है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित एक नया महाद्वीप। दूसरा कि भाई ये नए महाद्वीप के रूप में कैसे स्वीकार किया गया, चूंकि जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, अलग इसकी प्लेट है, अलग इसका परितंत्र है। नंबर 3 बात पूछी जा सकती है कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो न्यूजीलैंड आता है, न्यू कैलिडोनिया आता है, नॉरफॉक आता है, लॉर्ड हो द्वीप आता है जिस पर आबादी, और कई और छोटे छोटे द्वीप हैं जिस पर आबादी नहीं है। चौथा ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो है अधिकतर समुद्र में डूबा हुआ, तो ये 93% समुद्र में डूबा हुआ है, 7% समुद्र से ऊपर उठा हुआ है, लेकिन कुल मिला जुला करके यह समुद्र का भाग इसलिए नहीं है क्योंकि एलिवेटेड पार्ट है, ऊपर उठा हुआ भाग है। अच्छा ये भी आकार पूछा जा सकता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का 2/3 है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा है, अर्थात 8वां महाद्वीप है और 8वें आकार का महाद्वीप भी है, अर्थात सबसे छोटा महाद्वीप है। और इस क्षेत्र में वनस्पतियां अलग पाई जाती हैं, समुद्री जैव विविधता अलग पाई जाती है, मछलियां भी बहुत अलग प्रकार की पाई जाती हैं, और साथ में समुद्री शैवाल की भी अलग उपलब्धता है, ये भी पाया जाता है, और प्रवाल भित्तियां भी बहुत अलग अलग पाई जाती हैं, कोरल्स। तो इस हिसाब से ये सब जो है महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन्होंने देखा उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके इसे देखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपके ज्ञान में, आपकी समझ में इन वीडियो से लगातार विस्तार होगा। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप बहुत बहुत नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ।
and press the bell icon. Never miss an update.